ये देखिए, एक ऑटोकैड आपका प्लान है, दो तीन रूम का है और छोटा सा। बड़ा प्लान क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि जब इसमें इंपोर्ट करेंगे तो हो सकता है ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। रेविट के लैपटॉप में क्या है, एप्पल का हो चाहे किसी तरह का, तो ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत बड़ा ये है। इसके लिए 32 GB का रैम चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। देखिए ये प्लान है आपका ऑटोकैड में, आर्किटेक्चर ने इस तरह का प्लान बनाया होगा, और इसी प्लान पे हमें क्या करना है, वहां पे काम करना है। तो हम इस तरीके से सिर्फ ऑटोकैड में तो यही रहेंगे, अगर आप इसमें जब तक वहां के आपने प्लान में, आपके साथ साथ स्ट्रक्चर भी खड़े हो रहे थे, लेकिन अब क्या ऑटोकैड में दे दिया किसी क्लाइंट ने आपको प्लान, और आपको बोला जाए कि आप उसके अकॉर्डिंग उसमें काम करो, तब आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसे क्लोज कीजिए, ये प्लान आपने देख लिया, ठीक है। अब आइए रेविट में, तो हम ये चीज यहाँ पे बता रहे हैं, इसे क्लोज कीजिए। अब न्यू प्रोजेक्ट में आएंगे, ये है आपका आर प्लस इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल, हमने खोल लिया इसे न्यू प्रोजेक्ट। फ्लोर प्लान में आ गए, ठीक है, सारी चीजें आर्किटेक्चर है, इलेक्ट्रिकल भी है और मैकेनिकल भी है, सब कुछ है, क्लियर। अब हम कहाँ आते हैं, फ्लोर प्लान में आर्किटेक्चर के, गो टू इंसर्ट, इंसर्ट में गए, उसके बाद इंपोर्ट कैड, इंपोर्ट कैड में जाने के बाद आप जहाँ पड़े हुए हैं उससे आप वहां से पहले फाइल उठाइए, फाइल नेम क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ दो चीजें, कलर आप कैसे रखना चाह रहे हैं, जिस कलर में, मतलब प्रिजर्व उसी कलर में रह जाएगा, प्रिजर्व अगर नहीं रखना चाह रहे तो दूसरा है क्या, जो आएंगे वो ब्लैक एंड व्हाइट में आएंगे, ठीक है। तो दो ऑप्शन, तो हम क्या कर लेते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट कर लेते हैं। लेबल्स क्या है, हम ऑल रखते हैं, क्लियर। इम्पोर्ट यूनिट्स क्या है, अभी मैंने क्या दे रखा है, ऑटो डिटेक्ट, ठीक है। तो इंपोर्ट यूनिट्स ऑटो डिटेक्ट मतलब क्या करेगा, ये कि ये अगर एमएम में बना हुआ है और ये भी हमारा किस यूनिट में है, एमएम में है, तो ये खुद ब खुद ऑटो डिटेक्ट करके ले लेगा, ठीक है, मतलब वो एमएम उठा लेगा एज इट इज। लेकिन अगर ये इंचेस में, अगर आर्किटेक्चर ने दे रखा रहता क्या फीट इंचेस में, और हम यहाँ एमएम में काम कर रहे थे, तो हमें इसे बताना रहता ये जो इंपोर्ट कर रहे हैं हम वो फीट में या इंचेस में या जिस यूनिट में है, तब उसके अकॉर्डिंग वो देखता है कि ये फीट इंचेस में है, तो वो उसे पता चल जाता है कि हाँ हमें यूजर ने बता दिया ये जो ड्राइंग है ये किस यूनिट में है, फीट या इंचेस में है, और जो इसने टेम्पलेट खोल रखा वो एमएम में है, तो वो उसे कन्वर्ट करके एमएम में ला के देता। तो हमें यहाँ उसे बताना पड़ेगा कि कौन सा यूनिट में है, अगर सेम यूनिट है तो ऑटो डिटेक्ट छोड़ दिया, क्लियर। पोजीशनिंग क्या रखना है, ओरिजिन टू ओरिजिन, सेंटर टू सेंटर, यही दो चीज बेसिकली हम लेते हैं। ओरिजिन टू ओरिजिन क्या होता है कि जो ओरिजिन पे ऑटोकैड बना हुआ होगा, ऑटोकैड किसी एक्सिस पे हम ड्रॉ करते हैं, एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट रहते हैं, ठीक है। तो अगर एक ने हमने एक्स का तो 0 0 दे रखा है जो बेस ड्राइंग का, लेकिन दूसरा वाई कोऑर्डिनेट कुछ डिस्टेंस पे दिए हैं 10 या 12, तो क्या हो गया, एक डिफरेंस क्रिएट हो गया और एक्स और वाई के बीच का, ठीक है। जब ये यहाँ पे भी आएगा कहाँ पे, इस रेंज में, तो जीरो हो सकता है कि जीरो वाला कोऑर्डिनेट जो है वो तो रहेगा जीरो पे, लेकिन हो सकता है जो वाई आपने कोऑर्डिनेट पूरा प्लान बनाया है वो मूव कर जाए, और जो एलिवेशन चार तरफ से देखते हैं इसमें, इसमें जो आप एलिवेशन देखते हैं चार साइड से, वो क्या होगा, उससे बाहर निकल जाएगा उस रेंज से, ऐसे आता ना चार तरफ से बन के,
उस रेंज से बाहर निकल जाए, क्योंकि अगर, हाँ क्योंकि अगर दूसरा बाई कोऑर्डिनेट दूसरा कोई और पोजीशन दिया, अगर अगर 0 0 रखेंगे तो एग्जैक्ट रेबिट के उस सेंटर पे आएगा, क्लियर। और अगर डायरेक्ट सेंटर ही सेंटर टू आप सिलेक्ट कर ले तो सेंटर पे लाके गिराएगा। प्लेस कौन से लेवल पे करना है, रेबिट पूछ रहा है कि जो रेबिट का लेवल 1 लेवल 2, उस पे ये प्लान कौन से लेवल पे आपको रखना है। अगर और इसका जो आर्किटेक्चर बोलेगा, नहीं ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का है या ग्राउंड फ्लोर का है तो लेवल 1, अगर वो बोल देगा नहीं ये 9th फ्लोर का है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग वो 9th फ्लोर में जाके प्लेस हो, ठीक है। तो लेवल आप कौन सा रखना चाह रहे हैं वो चीजें यहाँ पे, तो प्लेस एट लेवल 1। अब हम क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। अगर बड़ा फाइल ना था ऑटो गाइड का, बहुत बड़ा फाइल, ठीक है, तो यहाँ खुलना मुश्किल हो जाता। ये आ गया यहाँ पे। अभी अगर आप सिलेक्शन कर रहे तो एक साथ सब सिलेक्शन हो रहा है, हो रहा है ना, लेकिन आपको अलग सिलेक्ट करना है कि कौन विंडो है कौन डोर है, तो हम उसके लिए कहाँ जाएंगे, ब्रेक कर देंगे फुल एक्सप्लोर, और क्या कर देंगे ये जैसे लिख क्या, तो हम क्या कर देंगे डिलीट एलिमेंट्स, क्लियर। अब आप देखिए पहले तो इसे इसकी काम नहीं से हटाई हुई है, प्लान में इसका कोई नहीं, ये एक्चुअली ओरिजिन वहां रेफरेंस के लिए बनाएगा ऑटो कैड में, ठीक है। अब अगर आप इसके ऊपर सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इंडिविजुअली सब सिलेक्ट होगा, लेकिन ये क्या है यहाँ पे, ये क्या है, ये प्लान बना हुआ है, इस पे वॉल नहीं खड़ा हुआ या विंडो नहीं खड़ा हुआ, ये आपको आर्किटेक्चर ने शो कर दिया है कि इस तरह का चीज यहाँ पे क्या लगेगा, विंडो लगेगा, इस तरह का चीज डोर लगेगा, ठीक है। यहाँ पे वॉल है तो वॉल का थिकनेस क्या होगा, तो एक काम कीजिए मॉडिफाई में जाइए, मॉडिफाई में जाने के बाद ये लीजिए, ठीक है, और ये मेजर कीजिए, तो हाँ कितने का बोल रहे, तो 200 mm का बोल रहा है। तो इस तरीके से सारे पे आपको क्या करना पड़ेगा कि 2 cm का वॉल ड्रॉ कीजिए, जहां पे विंडो है, फिर विंडो का भी एक पोजीशन होता है कि इस वॉल से कितनी दूरी पे है। फॉर एग्जाम्पल ये कॉलम है, ये वाला क्या है, कॉलम है, बिल्डिंग में कॉलम भी होते हैं जिसके ऊपर अदर फ्लोर खड़े होंगे, ये भी क्या है कॉलम है, ये सब क्या है कॉलम है, ठीक है। और कहीं पे ये वॉल कितने ठीक के कैसे आप ड्रॉ करेंगे, आप तो वॉल उठा लेंगे, तो पता पहले करना पड़ेगा थिकनेस, थिकनेस कैसे, ऐसे लेंगे और ऐसे लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कहाँ पे बाथरूम है कहाँ पे क्या है, ये सारा इसी तरीके से रहता है, ठीक है। अब आइए इसमें अगर स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करते हैं, आर्किटेक्चर में आए, हमने वॉल उठाया, आर्किटेक्चर वॉल लिए, और वॉल ड्रॉ करने का मैंने बताया था कि हम टॉप कंस्ट्रेंट यहाँ पे अनकनेक्टेड बाय डिफॉल्ट लेता है, लेकिन हम क्या करते हैं लेवल 2 से कनेक्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो 4000 का लेवल उस पर आ गया, ठीक है। एक और चीज है वॉल ड्रॉ करने के लिए आपका, जैसे आपने वॉल उठाया, हाँ ये सब नीचे आ रहे हैं, देखिए ये क्या होता है, यहाँ पे लिख के आ रहे हैं कि लेवल 2 से तो हमने कनेक्ट कर दिया एक चीज, और 4000 ऑफसेट ले लिया है, दो चीज हो गया। अब आइए लोकेशन लाइन आप कैसा रखना चाहते हैं, वॉल सेंटर लाइन, कोर सेंटर लाइन, ये वॉल जो आप कर्सर रखेंगे वो वॉल आप कहाँ से ड्रॉ करना चाहते हैं, जैसे अभी क्या है वॉल सेंटर लाइन है, तो अगर अभी आप कर्सर रखेंगे तो आपको ये सेंटर लाइन से शो करेगा वॉल ड्रॉ करना, उसी ये सेंटर लाइन से ड्रॉ होगा, क्लियर। उसी तरीके से अगर फिर यहां से हम चेंज करते हैं, कहां से, यहां से अब हम करते हैं फिनिश फेस एक्सटीरियर, तो अगर आप यहां से क्लिक करते हैं तो वॉल किधर, एक्सटीरियर की तरफ से फिनिश फेस, मतलब उधर से ड्रॉ करेगा, तो ये कई आपके टाइप से उसी तरह फिनिश फेस इंटीरियर, इसको कहां रखना पड़ेगा, ठीक है। और भी चीजें और क्या है, आपका कोर सेंटर लाइन कहाँ पे रख रहे हैं, तो इस तरीके से ये इसमें कुछ नहीं है, बस डिफरेंट वेज है कि आप किस तरीके से ड्रॉ करना चाहते हैं। एक चीज ये हो गया अगर हम वॉल सेंटर लाइन लेते हैं, दूसरा चीज चेन, सपोज के लिए अभी चेन पे अनचेक है, तो हमने क्या किया यहां से यहां तक वॉल ड्रॉ किया, ठीक है, मिड तक आके, और फिर यहां से मुड़ गए, तो ये क्या हो रहा है चेन है, बन गया वॉल, वॉल ड्रॉ हो चुका है, लेकिन अब बैक होइए। अब अगर आप चेन को अनचेक कर देते हैं,
तो जैसे सपोज कर लिया आपने फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, फर्स्ट पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट भी अगर क्लिक कर दिए, ठीक है, अब आपको फिर से यहां से उठाना पड़ेगा, कंटिन्यूटी ब्रेक हो चुका है। अब यहां से उठाइए या इधर से उठाइए, कमांड में है लेकिन आपको कंटिन्यूटी ब्रेक हो चुका है। कोई कंफ्यूजन? दूसरा चीज कि अगर आप एक बार स्किप दबाते हैं, ठीक है, तो आप कमांड से बाहर नहीं आएंगे, आपका सिर्फ एक लिंक टूटेगा। अभी भी आप कमांड के अंदर है, देखिए, ठीक है। और अगर जहां अगर डायरेक्टली सिर्फ बिना स्केप दबाए डायरेक्टली मॉडिफाई पे क्लिक करते हैं तो आप कमांड से कंप्लीट बाहर, और अगर स्केप से अगर कंप्लीट बाहर होना तो दो बार आपको स्केप प्रेस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने ये वॉल लिया, ये लिया, आपने अभी एक बार स्केप प्रेस किया तो अभी भी वॉल का कर्सर का बना हुआ कि आप ड्रॉ कर सकते, लेकिन एक बार और हमने प्रेस कर दिया बाहर। ये सब छोटी छोटी चीज है, ठीक है। अब ये है कि आप इसी प्रोजेक्ट पे सारा चीज काम कर सकते हैं, इस तरह के प्लान पे क्या क्या कर सकते हैं, इसको स्ट्रक्चर दीजिए सारी चीज इसके अकॉर्डिंग, क्लियर। दूसरा काम कीजिए क्या कि इसके फॉल्स सीलिंग लगाइए, पूरा स्ट्रक्चर देने के बाद रूफ, फ्लोर, वॉल्स, विंडोज, जहां जहां लोकेशन बताया जा रहा है विथ डायमेंशन। अब डायमेंशन कैसे देखेंगे, तो भाई विड्थ कितना है ग्लास का, तो हम मॉडिफाई में जाएंगे, मॉडिफाई में जाने के बाद हम मेजर कर रहे हैं तो पता चला विड्थ कितना है 3800 है। अब हम यहां से क्या करेंगे, अभी तो यहाँ वॉल नहीं बना हुआ, अगर आप ग्लास लगाना चाहेंगे तो अभी एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक वॉल नहीं खड़ा हो जाएगा। तो अगर हम वॉल ड्रॉ कर देते हैं आर्किटेक्चुरल वॉल, अब एक चीज बताइए वॉल हम कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे या यहाँ से लेंगे? यहाँ से प्लान से क्या लग रहा है वॉल कहाँ से होगा? ये वाला कॉलम है रेक्टेंगुलर, ठीक है, तो हम यहां से लेंगे। तो हमने एक तरफ वॉल अभी जैसे आपको बना के दिखा दिया, बन गया 200 mm का थिकनेस था। इसको रियलिस्टिक भी कीजिए तो देखिए क्लियर हो जाएगा, ये रियलिस्टिक भी हो गया तो रियलिस्टिक हटा देते क्योंकि विंडो हट गया, छुप गया। तो हम क्या करते थे वायर फ्रेम में, चलिए ठीक है, हमने ले लिया ये, अब यहां से एक बार ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये आप अभी कमांड से बाहर हो गए हैं, अब आपको चाहिए क्या कि विंडो लगाना है। विंडो मैंने कितना बताया 3800 का है, ठीक है। वहां से 3D चलिए, ठीक है, ये आपका वॉल है, ये आपका विंडो है। अब हम क्या करेंगे, विंडो में जाएंगे, विंडो लोड करेंगे, विंडो लोड करने के बाद जाके कहां पे जाएंगे, और विंडो कहां गया, सबसे नीचे विंडो, और कोई भी एक ले लीजिए विंडो जो आपको लगे कि यही लगाना है। तो हम जैसे ये ले लेते डबल ओपनिंग वाला, तो हम यहाँ पे विंडो दे दिए, प्लेस कर दिए, लेकिन इसका विड्थ कितना में करना होगा, 3800। तो हम क्या करेंगे, विंडो कहाँ से कहाँ तक लिया है, एक लिया है, ये विंडो है, हम जाएंगे और इसका क्या कर देंगे 3800 कर देंगे विड्थ। विड्थ कहाँ गया, ये, ठीक है, इसे हम कर देंगे 3800। अप्लाई एंड ओके, हो गया। अब हुआ तो है लेकिन क्या है, इसकी अलाइनमेंट नहीं है, ये विंडो बाहर निकल के भाग रहा है और इधर कम। तो हम क्या करेंगे, ये विंडो का कौन सा है एंड है, ये वाला, हम इसको अलाइन करेंगे किसके साथ, ये अलाइन कमांड का यूज़ है, कॉपी का हो गया उसी तरीके से अलाइनमेंट का, किसको, इसके साथ, ये भी एक विंडो नहीं, हाँ विंडो एम कैसे डबल ट्रिम, यहाँ तक है विंडो, ठीक है। अब देखिए यहीं पे आकर के फिट हुआ होगा, अब कहीं पे भी एक्स्ट्रा नहीं निकल रहा होगा विंडो,
क्लियर। दूसरा तरीका क्या है, अगर हमने विंडो आगे निकाल दिया, ठीक है, अब एक चीज देखिए, आपने विंडो पे क्लिक किया, ठीक है, तो विंडो का जो एंड जो बता रहा है वो कितना बता रहा है 1700.1, लेकिन विंडो का जो पोजीशन है इस वाल से वो कितना होना चाहिए पहले वो देखिए, ये लिया और ये लिया आपने, तो 1000 पे होना चाहिए। अब आप इसे क्लिक कीजिए, सॉरी जो विंडो अभी 1700 पे है इसे क्या कर दीजिए 1000 कर दीजिए, डिस्टेंस ऑटोमेटिकली वहां वो शिफ्ट हो गया, कल भी मैंने चीज बताया था, एक तरीका ये भी है, तो कंफ्यूजन। तो इस तरीके से सारा करेंगे। अब जैसे कॉलम है तो हम कहां जाएंगे कॉलम के लिए, कॉलम में गए, स्ट्रक्चरल नहीं लेंगे, क्या लेंगे आर्किटेक्चुरल, इसमें भी लोड करना पड़ेगा, वही लोड जाइए मैट्रिक में, मैट्रिक उसके बाद जाके कॉलम्स, कॉलम्स के बाद जाके कई सारे रेक्टेंगुलर कॉलम जैसे मैं उठा ले चुके हैं, रेक्टेंगुलर शेप बना हुआ है और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे भी लगा देते हैं। अब उससे पहले हमें लगाने से पहले इसका विड्थ और ये लेंथ मेजर कर लेना था, हाइट तो आप नहीं कर सकते, विड्थ और लेंथ, क्लियर। और सर्कुलर रहेगा तो उसका डाया चेक करेंगे, ठीक है, कॉलम सर्कुलर भी होते हैं, आपने ये कर लिया। अब देखिए क्या ये अलाइन होता है, अगर हम मॉडिफाई में जाते हैं और अगर अलाइन करना चाहे इसके साथ, इसको इसके साथ डायमेंशन देना पड़ेगा, तो आपको इसको कॉलम को सिलेक्ट करके इसके एडिट टाइप में जाके उसके अकॉर्डिंग हमेशा डुप्लीकेट करके चेंज कीजिएगा। जैसे ये है डुप्लीकेट किया तो डुप्लीकेट किसका कर रहे, इसी का कर रहे, ओके कीजिए, देन रीनेम कीजिए, और जिस साइज का करना है या न्यू कॉलम रखना है या इन1 रखना है उस तरीके से आप पहले सेव कर लीजिए, उसके बाद उसे ओके, जैसे मैंने यहाँ न्यू नेम किया इन1, फॉर एग्जांपल डुप्लीकेट के साथ नाम नहीं दे सकते, रीनेम बाद में, रीनेम तो बाद में करता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप देख लीजिए डुप्लीकेट किया, अभी आपने डुप्लीकेट किया, मैंने तो यहीं पर नाम ले लिया था, कर लीजिए था इन1 आपने दे दिया, हो गया N1 जो दिया है, सॉरी बंद हो गया क्या, N1 यहाँ पे आया अच्छा सॉरी, हाँ यहाँ जैसे N1 किया आपने, N1 किया, NI सपोज कर लिए, या अब जाके कहाँ जाएंगे, ठीक है, अब एडिट टाइप में इसका विड्थ चेंज करेंगे, जो भी विड्थ होगा उसके बाद ओके कर देंगे, चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से अगर इस प्लान पे ही आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो आपका प्लान रेफरेंस प्लान यही रहेगा, इस पे क्या है आप आर्किटेक्चर का पूरा काम कीजिए, इसके अकॉर्डिंग कॉलम विंडो डोर ग्लास लगाइए, इसके बाद आता है इसमें आप फॉल्स सीलिंग भी दीजिएगा, अब आता है मैकेनिकल पार्ट शुरू होता है, फॉल्स सीलिंग में आप एयर टर्मिनल सबसे पहले कैसे प्लेस करेंगे, तो अब इसी प्लान पे आप प्रोसीड करते जाइएगा आगे, समझ रहे हैं, इसी में प्लंबिंग का होगा, जहां पे बाथरूम है वहीं पे हम क्या करेंगे प्लंबिंग का भी काम करेंगे, और स्प्रिंकल का तो खैर फॉल्स सीलिंग पे ही होगा हर रूम में, तो ये सारी चीज इस तरह का 3-4 फ्लोर टिपिकल ले लीजिएगा, 4-5 फ्लोर तक, 8-10 तक भी ले सकते, क्या दिक्कत है, नहीं समझ रहे, ठीक है। तो एक एक करके पहले एक एक फ्लोर पे पूरा आर्किटेक्चर पार्ट खत्म कीजिए, आपको स्ट्रक्चर मिल गया, उसके बाद अभी हम मैकेनिकल का बता देते हैं, टर्मिनल कैसे प्लेस करते हैं फॉल्स सीलिंग में वो चीज बता देते हैं, और उसके बाद जाके टर्मिनल प्लेस करने के बाद डक्टिंग से हम कैसे कनेक्ट करते हैं, डक्ट कैसे चलाएंगे और डक्ट से हम कनेक्ट कैसे करेंगे, तो ये चीज शुरू कर दें, ठीक है, इसे क्लोज करते हैं, ये प्लान ले लीजिएगा सब लोग अपने अपने इसमें, और अगर किसी के पास अपना प्लान है जो इंडस्ट्रीज है कि नहीं हमको उस पर काम करना है तो अपना वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं न्यू में, न्यू में हम आए और यही खोला हमने, एक आपका प्लान बना हुआ है ना बिल्डिंग, कौन सा ये गो टू फ्लोर प्लान, ठीक है, फिर गो टू सीलिंग
ठीक है, सीलिंग में जाने के बाद ऑटोमेटिक ही हम सिलेक्ट कर लेते हैं ये 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 सब में, ये तो अब हम आते हैं सब पे ले लिया, सब पे ले लिया है ना। सीलिंग पे जाते हैं, आगे सीलिंग अगर हम स्केच ही कर देते हैं, यहाँ से उठाते हैं और एक स्केच कर लिया जाए, इसमें हुआ था इधर वाले में नहीं हुआ था ना, जो एब्सेंट करेगा वो अपना नुकसान सहेगा क्योंकि हमने बैच को कॉमन पे ला दिया है, जिसका छूटेगा वो जब कोर्स होते जाएगा तो अब क्योंकि जैसे आज जिनका छूटा है उनका रिवाइज होने को नहीं जाएगा, इसी तरीके से जो अपने एब्सेंट होंगे वो अपने नुकसान खुद सहेंगे, अब बाद में जब कोर्स कंप्लीट होने के बाद जब उन्हें डॉट पूछा जाएगा तो वो अपना डॉट क्लियर करेंगे। एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, अगर सब समझ रखे कि जब आएंगे मर्जी हुआ 10 दिन के बाद तो उठा के चल दिए कॉपी तैयार होके और आगे कोर्स कर लिए। तो क्या बन गया? इसमें नहीं पढ़ाया ना, चलिए इसको रहने दिया, मैं तो इसी तरह बता रहा हूँ। तो जो भी प्रॉपर प्लानिंग मैंने आपको दे दी है छोटे प्रोजेक्ट करने के लिए उस पर ही आपको सारा काम करना है इस तरह सीलिंग में डाल के। अब हम आते हैं क्या, ये तो आर्किटेक्चर का काम खत्म हो गया, अगर जिनको और हायर जाना है तो वहां जाके आर्किटेक्चर के लिए मेरे स्कोप में इतना ही था, दैट्स ऑल। अब हम आते हैं किसमें, मैकेनिकल में HVAC। तो सिस्टम जो कहलाता है वो तीन चीज मिलकर बनता है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लस प्लंबिंग। मैकेनिकल के अंदर दो सब डिसिप्लिन आते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, HVAC और प्लंबिंग। इलेक्ट्रिकल के अंदर भी दो आते हैं, एक इलेक्ट्रिकल एंड लाइटिंग एंड पावर, और तीसरा कौन सा हो गया, ये बस इतना MEP तैयार हो गया, ठीक है, और एक प्लंबिंग जो मैंने बता दिया है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा कहलाता है, सिस्टम। सिस्टम में ये यहाँ से लेके यहाँ तक सारे HVAC के काम हैं, यहाँ से प्लंबिंग और यहाँ से इलेक्ट्रिकल। लेकिन HVAC में कुछ काम किसका होता, पाइपिंग का भी होता, तो हम प्लंबिंग से उठाएंगे, लेकिन ओवरऑल प्लंबिंग का सारा काम ये है, क्लियर। अब हम आते सबसे पहले की एयर टर्मिनल। एयर टर्मिनल सब लोग जान रहे क्या होते हैं, जिसे डिफ्यूजर कहा जाता है, जिससे एयर निकलता है, देखा है ऑफिस ऑफिस में लगे हुए रहते हैं, जिससे एयर फ्यूल एयर सप्लाई होते हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट सीलिंग पे होल्ड रहते हैं, और अगर सीलिंग नहीं तो इसी तरह वो सब किस चीज से लगे हुए रहते हैं, सारे डक्ट होते हैं, डक्ट सब लोगों ने देखा होगा, वो डक्ट से होल्ड रहते हैं, इस तरीके से रहते हैं। देखिए जैसे अगर आपने क्लिक किया यहाँ, ये जो कॉलर है ये क्या है, इसी के ऊपर आके डक्ट, डक्ट क्या होता है, डक्ट एक तरह से आपको एयर को सप्लाई करने के लिए मीडियम है, जैसे पाइप से क्या होता है वाटर फ्लो होता है, उसी तरीके से एयर को सप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, एक डक्ट का हमें बाग चाहिए। डक्ट हर तरीके से होते हैं, ओवल भी होते हैं, रेक्टेंगुलर भी होते हैं, सर्कुलर भी होते हैं, ठीक है। तो डक्ट, और इसी में डक्ट से एयर आता है और एयर इसमें आके डिफ्यूजर में आता है और वो फिर डिफ्यूजर डिफ्यूज करता है। तो ये डिफ्यूजर हम कैसे सीलिंग पे लगाएंगे, दो तरीके के होते हैं फैमिलीज, एक होते नॉन होस्टेड और एक होस्टेड होते हैं, नॉन होस्टेड और होस्टेड। दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर आपने होस्टेड वाला सिलेक्ट किया है तो वो जब आप लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो होस्ट कहाँ पे आके होगा, सीलिंग पे, ठीक है। और जब भी आप सीलिंग का अगर ऑफसेट ऊपर नीचे करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो भी
साथ में मूव कर जाएगा और सीलिंग पे ही लटका हुआ रहेगा। जैसे अभी ये सीलिंग बाय डिफॉल्ट कितने ऑफसेट पे पता है 2400 कहाँ से ऊपर से ग्राउंड से 2400 है ठीक है। तो ग्राउंड से 2400 है तो अगर हम इस पे अगर डिफ्यूजर अभी होस्ट वाला लेते कौन सा होस्ट वाला ठीक है तो वो कितने पे आके ऑफसेट पे लग जाएगा 2400 पे ठीक है। लेकिन हम सीलिंग का अगर हमने सीलिंग का चेंज कर दिया हाइट को 2400 के बजाय कर दिया 2200 तो फिर डिफ्यूजर का भी क्या हो जाएगा 2200 पे आ जाएगा ठीक है। और अगर नॉन होस्टेड रखते हैं नॉन होस्टेड टाइप का लेते हैं कि वो होस्टेड नहीं है तो अगर हम सीलिंग पे पहले होस्ट करवाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा उसका भी ऑफसेट हमें कितना देना पड़ेगा। अगर वो नॉन होस्टेड है और सीलिंग पे भी रखना है तो उसका ऑफसेट कितना देना पड़ेगा 2400 जितने हाइट पे सीलिंग है उतने हाइट पे देना पड़ेगा बताना पड़ेगा वहां पे। लेकिन अब उसी केस में अगर नॉन होस्टेड लिया और सीलिंग का हम हाइट को मूव कर रहे तो डिफ्यूजर क्या होगा वो मूव नहीं करेगा वो अपनी जगह फिक्स रहेगा क्योंकि वो नॉन होस्टेड है ठीक है। अब हम आइए सिस्टम में आते हैं। हमने लिया एयर टर्मिनल ले लिया तो ये जो अभी दिखा रहा है ये कितना ये होस्टेड टाइप दिखा रहा है कौन सा होस्टेड टाइप दिखा रहा है। कई तरह के डिफ्यूजर है ठीक है तो अभी कौन सा ये दिखा रहा है होस्टेड टाइप। अगर नॉन होस्टेड अगर लेना है सॉरी ये नॉन होस्टेड टाइप का दिखा रहा है। अगर और टाइप के लेने हैं पहले नॉन होस्टेड टाइप का ही देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम इसको ऑफसेट कितना दे देते हैं 2400 दे दिया। अब देखिए नजर आने लगा डिफ्यूजर और अभी 00 था तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था और समझ रहे हैं आप लगा दीजिए क्या लिख के आया नन ऑफ द क्रिएट visible in reflected ceiling plans ठीक है। you may want to check the activities now मतलब कि आपका ये लग चुका है लेकिन यहाँ reflect नहीं हो पाएगा क्योंकि आपकी problem कहाँ से वो चीज बताते हैं। देखिए लगा है कि नहीं पहले diffuser कहीं लगा होगा एक मिनट elevation में तो show हो जाएगा Yes. कितना ऑफसेट है 00 अब हम कर देते 1200। अब ये एलिवेशन में आपको दिख जाएगा कहीं ना कहीं लगा हुआ वॉल की वजह से नहीं दिख रहा है ठीक है वॉल की वजह से आपका नहीं दिख पा रहा है। अब दिख रहा था क्या जी ये रहा क्लियर। तो अभी यहाँ पे क्या ये बोल रहा था कि यहाँ पे कि आपने लगाया और आपको लगे कहाँ लगाया है। अगर कोई चीज अगर नहीं दिखे फॉर एग्जाम्पल अभी तो आपने यहाँ पे सीलिंग पे लगाया है अगर नहीं दिख पा रहा है तो उसका दो प्रॉब्लम हो सकता है। पहला प्रॉब्लम आ जाता है विजिबिलिटी ग्राफिक का सॉरी विजिबिलिटी ग्राफिक का इसमें जाएंगे इसमें जाके देखेंगे क्या क्या चीज चेक है आर्किटेक्चर के सारे चेक है मैकेनिकल के इलेक्ट्रिकल के पाइपिंग में उसके बाद इसमें से कौन सा चीज है एयर टर्मिनल शो हो रहा है कि नहीं ठीक है। दूसरा चीज ये हमने कहां लगाया अभी सीलिंग में ये हमने आर्किटेक्चर में सीलिंग में लगाया था ना टर्मिनल जबकि हमको ये काम करना था जब भी हम शुरू करेंगे तो हम उसी के सीलिंग प्लान में आएंगे पहला चीज क्योंकि हम यहाँ पे आर्किटेक्चर की किसी चीज को छेड़ नहीं सकते हैं। yes. दिखाई देगा जरूर लेकिन उसे टच नहीं कर सकते हैं क्लियर। yes. तो अब हमें यहाँ पे एयर टर्मिनल लगाना था वो वाले एयर टर्मिनल को डिलीट कर देते हैं आपके। yes.
क्लियर। अब आइए पहले मैकेनिकल के सीलिंग प्लान में एयर टर्मिनल लगाने के लिए कहाँ आएंगे, सीलिंग प्लान में एयर टर्मिनल पे आए आप। अब यहाँ ऑफसेट मान लीजिए दे देते हैं 1600 और सीलिंग कितने पे है 2400 पे, आपने लगा दिया और तुरंत मैसेज लिख के आ गया। क्लियर। अब इसे हमें देखना है और कितने पे लगाया 1600 पे। तो अब आइए एक चीज पहले व्यू रेंज की बात करते हैं। व्यू रेंज ये है, व्यू रेंज में आएंगे इसमें दो चीजें टॉप और कट। टॉप और कट मतलब ये होता है कि आप टॉप कहां तक देख सकते हैं, आप क्या डालना चाहते हैं टॉप का ऑफसेट, टॉप का ऑफसेट कहां तक नीचे से खड़े होकर देखना चाहते हैं। मतलब कि अगर आप देख रहे हैं तो आपको टॉप कहां तक दिखेगा, और दूसरा आ जाता है कट प्लेन, पूरा फ्लोर से लेके स्लैब तक है एक एक रूम, तो आप उसमें कहां से कहां तक का पोर्शन देखना चाहते हैं। तो हमने बोला कि हमें 1200 से जितने भी हाइट पे हैं वहां से लेके अब टॉप जितना आप रखना चाहते हैं, दो मतलब कि एक फ्लोर का वो टॉप आप जहां तक पूरा स्लैब तक देखना चाहते हैं या उससे भी कम तक देखना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर है। जैसे हमने लेवल अबव 2 है, अभी हम क्या कर देंगे एसोसिएटेड लेवल 1, टॉप क्या कर दिए एसोसिएटेड लेवल 1, तो इसमें क्या होगा टॉप हमारा बहुत कम हो गया, ये जीरो पे आ जाएगा। तो हम क्या रखेंगे लेवल अबव लेवल 2, ठीक है। तो इसका मतलब जो लेवल 2 तक अगर आप खड़े हो ना वो सारा चीज दिख जाएगा, लेकिन नीचे से नीचे वाला पोर्शन कहां से दिखाएगा, पूरा फर्नीचर भी दिखा देगा ये, जहां पे बीच में आपने कोई मटेरियल लगाया वहां से दिखाएगा। तो फॉर एग्जांपल अभी यहां पे कट प्लेन क्या है 2300, लेकिन हमने टर्मिनल कितने पे लगाया है 1600। अगर अभी हम यहां कट प्लेन का वैल्यू कर देते हैं 1400, ठीक है, और अब अप्लाई कीजिए और ओके कीजिए। क्लियर। तो ये चीज कहां से सेटिंग होगा व्यू रेंज, जिसे सेक्शन कट करने आता है उसे समझ में आ जाएगा ये चीज क्या होता है। सेक्शन कट करना मतलब होता है कि आप उस जगह से कट कर रहे हैं कि आपका मैक्सिमम टॉप और नीचे का क्या आप देखना चाहते हैं, इसके नीचे का जो भी और इक्विपमेंट लगे हुए होंगे उस रूम में वो आपको नहीं दिखाई देगा। तो ये सर सीलिंग प्लान के साथ में रहेगा, कहां सीलिंग प्लान के साथ में रहेगा, कैसे रहेगा, मैंने तो शुरू में बताया था, मैंने कब बताया था सीलिंग प्लान कितने में है, ये कितने में है, तो फिर सीलिंग प्लान के साथ आपको कैसे दिमाग में आया कि ये रहेगा साथ में। अगर लगा रहे जैसे कि ये रिफ्लेक्ट होगा सीलिंग प्लान से, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान कहते हैं, आरसीपी इंडस्ट्री में कहते हैं। उसका मतलब होता है कि ये सीलिंग प्लान से क्या क्या चीज रिफ्लेक्ट हो रहा, तो आप कहां तक मैक्सिमम देखना चाहते हैं, कट प्लेन का आपने दे दिया बेस ऑफसेट 1400 वहीं तक दिखेगा, यानी कि हमने इसे कितने पे बनाया था 1600 पे, तो 1400 तो आपका जाना ही जाना है वहां तक दिखेगा, ये तो उससे ऊपर ही बना हुआ तो उससे ऊपर वाला भी दिखेगा, नहीं समझे, ठीक है। अगर आप ठीक 1600 देते सपोज कर लीजिए 1600 पे ये भी है और 1600 पे वो भी है, तो क्या रिजल्ट मिलता 1600 पे आपने अप्लाई किया और ओके कर दिया, अभी भी दिख रहा है। लेकिन अगर व्यू रेंज अगर हम कर दें क्या 1650 कर देते हैं 1650 और अप्लाई करते और ओके करते हैं, अभी भी ले लिया है। अगर हम 1700 कर देते हैं व्यू रेंज, सॉरी व्यू रेंज कितना कर देते हैं 1700, कम कर देंगे तो नहीं दिखेगा, नहीं 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 कम करेंगे तो दिखेगा ऊपर जाएगा, अगर हम यही अभी हमने वहां 1400 दे रखा है 20 होगा ना, ठीक है लाइक किए 100-200 का वो, ठीक है फ्लेक्सिबिलिटी रखा 1800 पे भी गए हैं, ठीक है अप्लाई करिए, अप्लाई कर दिए नहीं, लेकिन अगर भाई 1700 में ठीक है क्लियर, 100 एमएम का क्लियर ये रख रहा है, तो हम यहाँ क्या कर देते 2300 का ही रख देते, क्योंकि हमें सारी चीज सिर्फ सीलिंग का दिखना है, तो सीलिंग से सिर्फ 100 एमएम का नीचे तक रख लिए, सीलिंग 2400 पे उससे थोड़ा सा 100 एमएम कर सकते हैं, ठीक है यहाँ तक क्लियर। ये व्यू रेंज का क्या होता है,
तो अगर कहीं से अगर सॉरी अगर कहीं पे अगर कोई चीज नहीं दिखे तो हम कहां पे जाएंगे, व्यू रेंज में। तो जैसे इसका भी हम पहले ला लेते हैं, क्योंकि इसका हमें देखना है, इसको थोड़ा सा ऑप्शन बढ़ा देते हैं हम, अप्लाई किया इसको, ओके करेंगे और इसका पहले ऑफसेट ला देते हैं। कितना है ऑफसेट? 1600 ना। अब हम ला देंगे 2400। ला दिए। अब आते हैं व्यू रेंज पे और 2300 कर देते हैं इसको, जो था बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये तो आपने प्लेस कर दिया। अब ये भी 2400 पे है और सीलिंग भी 2400 पे है। दूसरा चीज बताते हैं, आपने मैकेनिकल के सीलिंग प्लान में लगाया है तो आपको ये चीज दिख रहा है, लेकिन अगर आप आर्किटेक्चर के सीलिंग प्लान में जाते हैं तो आपको यहां भी दिख रहा है। इन केस अगर नहीं दिखता या इसे यहां से हमें हाइड करना है तो वो भी देखना, नहीं देखना यहां से क्लियर होगा। अगर हम यहाँ पे तो सारी चीज ऑन है कि आर्किटेक्चर के भी दिखनी चाहिए, स्ट्रक्चर के भी दिखनी चाहिए और मैकेनिकल का भी, ठीक है। उसमें से फिर हर एक के जो जितने पार्ट्स होते हैं ये सारे पार्ट्स के नाम है, एयर टर्मिनल, एरिया, केस वर्क, सीलिंग, तो इसमें से आप क्या देखना चाहते हैं। जैसे हमने एयर टर्मिनल क्या कर दिया, अनचेक कर दिया और उसके बाद क्या कर दे, अप्लाई कर दे और ओके कर दे, देखिए क्या होगा। तो अगर कभी ये चीज हो कि हाँ आपने ड्रॉ किया है, व्यू रेंज भी आपने सही सेट कर दिया कैलकुलेशन के हिसाब से, तो आप कहां पे जाएंगे अगर किसी दूसरे प्लान में उसी चीज को देखना, तो आपको कहां से ये चीज देख चेक करना पड़ेगा, कहां से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो विजिबिलिटी ग्राफिक में जाकर चेक करना पड़ेगा कि हमारा यहां से क्या चीज ऑन है क्या चीज ऑफ है। अब जैसे हमने ऑल किया, ऑल करके अगर एक बार चेक किया तो ये सारे चेक हो गए, मतलब सारे चीज, और इसी में से अगर हमने एक को अनचेक किया तो सारे अनचेक हो गए। तो एक बार चेक करके जिन्हें अनचेक करना है क्लिक कर देंगे और उसके बाद अप्लाई और ओके कर देंगे, तो वो आपके ऊपर रिक्वायरमेंट, आपको क्या देखना। हो सकता है कि आर्किटेक्चर प्लान में जो इलेक्ट्रिकल वाले रहेंगे वो क्या करेंगे कि आर्किटेक्चर में हमको अदर से क्या मतलब, HVAC ने क्या काम किया, प्लम्बिंग ने क्या काम किया, तो वो सारे यहाँ से आकर के ऑफ कर देंगे, स्प्रिंकल और डक्टिंग और टर्मिनल सब ऑफ कर देंगे यहाँ से, और सिर्फ इलेक्ट्रिकल को ऑन रखेंगे, जो लाइटिंग फिक्स्चर लगे हुए होंगे या जो भी चीज लगे हुए होंगे वो सारी चीज दिखाई देंगे आपको। क्लियर? ये चीज हो गया। अब हमने बताया था कि मैकेनिकल में आते हैं, मैकेनिकल के सीलिंग प्लान में हमने HVAC में, क्योंकि ये HVAC सिस्टम का है एयर टर्मिनल, तो हम HVAC सिस्टम में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ 2400 पे इसे बनाया है, ठीक है। तो ये किस पे होल्ड है, सीलिंग पे होल्ड है, ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर हम इसे मूव कर देंगे, अगर सेक्शन में आके देखते हैं, देखिए दिख रहा है 2400 पे है। और एक चीज और, फ्लोर प्लान में भी दिखेगा, ठीक है। अगर फ्लोर प्लान में भी जाके अगर हम विजिबिलिटी ग्राफिक में जाके एयर टर्मिनल क्या कर दें, ऑफ कर दें, कि नहीं हमें फ्लोर प्लान में नहीं देखना। तो जिस लेवल पे जाके कीजिएगा, ऐसे नहीं कि आपने एक बार अनचेक कर दिया तो आपका हो गया, वो उसी प्लान के लिए सिर्फ काम होगा, जिस लेवल में जाकर चेक करना उसी लेवल में जाना, उसी प्लान में। तो प्लान तीन तरह के होते हैं, फ्लोर प्लान कहलाते हैं, RCP कहलाते हैं, रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान, और एक चीज होता है सेक्शन व्यू प्लान। ये तीनों प्लान के अकॉर्डिंग ही साइट पे एग्जीक्यूशन होता है, मतलब जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप देखते हैं। ये हो गया आप टर्मिनल कैसे प्लेस करेंगे। अब हम बात करते हैं कि नहीं, अब हमें चाहिए होस्टेड टाइप, तो कहाँ जाएंगे, एयर टर्मिनल पे गए तो लोड यहाँ देख लिया कि कोई भी शो नहीं कर रहा कि जिसमें होस्टेड टाइप लिखा हुआ, तो आप कहाँ जाएंगे, लोड फैमिली में, प्रोसेस सेम है, लोड फैमिली में गए और यूएस मैट्रिक और मैकेनिकल कहीं नजर आ रहा है, मैकेनिकल MEP, एयर टर्मिनल कौन सा कंपोनेंट है, एयर साइड कंपोनेंट या जनरल कंपोनेंट या वाटर साइड या कनेक्टर्स, एयर साइड, फिर एयर टर्मिनल्स। इसमें देखिए एग्जॉस्ट डिफ्यूजर है, एक सप्लाई डिफ्यूजर होते हैं, दूसरा एग्जॉस्ट डिफ्यूजर होते हैं, ठीक है। तो हमें लेना सप्लाई डिफ्यूजर, सप्लाई डिफ्यूजर, ठीक है,
कई तरह के हैं, तो सप्लाई डिफ्यूजर कहीं पे होस्टेड टाइप शो कर रहे हैं? देखिए ये है सप्लाई डिफ्यूजर होस्टेड एक्सपेरिमेंट। अगर इसे हम ओपन कर लेते हैं तो इसे जब आप प्लेस करेंगे, अब जब इसे आप प्लेस करेंगे होस्ट मतलब कि आप कहीं पे ले जाके होस्ट करना चाहते हैं, तो होस्ट करने का तीन तरीका होता है। वो क्या है, या तो आप वर्टिकल फेस में होस्ट करना चाहते हैं या तो हॉरिजॉन्टल फेस में, यानी आप वॉल में फेस करना चाहते हैं या तो स्लैब में। तो यहाँ पे वही दो ऑप्शन आते हैं। पहले अगर वर्टिकल फेस लेंगे तो कहाँ पे आपको वॉल पे आके करना पड़ेगा साइड में, तो हम क्या करते हैं टर्मिनल को प्लेस ऑन फेस करते हैं। अब देखिए नजर आ जाएगा, आ गया। अब इसका आप देखिएगा, आपने इसका ऑफसेट नहीं दिया है, लेकिन इस पे जब क्लिक कीजिएगा तो इसका ऑफसेट एलिवेशन क्या बता रहा है, 2400 बता रहा है, आपने जबकि नहीं दिया था। यही चीज फर्क है। अगर यही सीलिंग अगर आप कर देंगे, आप कितने पे सीलिंग को आप मूव कराइए, 2400 के बजाय करा दीजिए 2600, इसमें ही लगाए थे ना, तो अब इसको ऑफसेट आप कर दीजिए 2600 कर दिए। अब आइए मैकेनिकल के सीलिंग प्लान में, अब इस पर क्लिक करके देखिए डिफ्यूजर का क्या स्टेटस है, डिफ्यूजर कितने पे आ गया 2600। तो होस्टेड में ये एक फायदा है, इंडस्ट्री में क्या होता है कि कई दफा प्लान चेंज होते हैं। अगर आर्किटेक्चर ने अपने प्लान में अगर कुछ चेंजेस किया और आपने मॉड्यूल बना दिया, सब फिक्सचर फिक्स कर दिया, इलेक्ट्रिकल वाले ने इलेक्ट्रिकल ने, प्लम्बिंग वाले प्लम्बिंग ने, तो अगर वो मूव कराता है अपने इसको सीलिंग्स वगैरह को, तो इससे क्या होगा कि जब वो मूव कराएगा और आपने होस्टेड टाइप ले रखा है, तो जैसे उसका मूव करेगा तो आपका ऑटोमेटिकली साथ में मूव कर जाएगा, आपको अलग बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपने नॉन होस्टेड टाइप लिया है तो आपका पूरा छितर बितर हो जाएगा, आपका वहीं के वहीं रह जाएगा। फिर से लाइए, फिर से लगाइए, वहां पे ऑफसेट दीजिए, सारा प्रोसेस कीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज होते हैं। तो इस तरीके से हम एयर टर्मिनल को प्लेस करते हैं। अब एयर टर्मिनल आपने अकॉर्डिंग क्या होता है कि किस रूम में कहां पे कितनी की रिक्वायरमेंट है, किस रूम में कहां पे कितनी की रिक्वायरमेंट है, वो तो हीट लोड कैलकुलेशन कीजिएगा, उसका साइज डिसाइड कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग, प्लस आप लोकेशन क्या रखना चाह रहे हैं रूम पे डिफ्यूजर का, उसके अकॉर्डिंग आप प्लेस करेंगे। उसके बाद डक्ट से कनेक्ट करेंगे सबको, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास में मैं बताता हूँ, कैसे बताता हूँ। Thank you.